प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सब जन्मदिन का बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। मोदी जी का जीवन एक संघर्ष का जीवन है, राष्ट्र के लिए एक समर्पित जीवन है। मोदी जी ने भारत का नेतृत्व लेते हुए भारत को पूरा विश्व में एक महाशक्ति का रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा किया। भारत का गरीबों का उत्थान के लिए उनका सारा जीवन उत्सर्गित है। मोदी जी का सपना है बाई 2047 भारत को विकसित भारत बनाना है, महाशक्ति बनाना है। आज का दिन हम यही संकल्प लेता हूँ कि मोदी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उसी काम के लिए पूरा भारतवासी आज का दिन समर्पण का प्रतिज्ञा करे, यही मोदी जी का जन्मदिन का सबसे बड़ा भेद होगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जी बाई रोड 2 घंटा झारखंड में सफर किया, उससे बड़ा गौरव का बात क्या हो सकता है। हम लोग तो तरसता हूं कि कभी असम का रास्ता से कोई प्रधानमंत्री गुजरे। ये तो झारखंड वासियों का कितना आनंद हुआ कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला तो बाई रोड जाके जमशेदपुर का लोगों को मिला। तो ये जेएमएम इसमें क्रिटिसिज्म करने का क्या बात है क्या नहीं है मैं नहीं जानता हूं। अगर हेमंत सोरेन जी को लगता है कि सारे राजनेता खाली हेलीकॉप्टर में ही चलते रहे, ऐसे तो थोड़े देश में देश चलेगा। हमें हेलीकॉप्टर में भी उड़ना चाहिए और बाय रोड भी जाना सीखना चाहिए और जरूरत पड़ने से पैदल भी आगे जाने का सीखना चाहिए। नहीं, देखिए, घुसपैठियों का मामला बड़ा है। संथाल में हमें हर घुसपैठियों को कानून का रास्ता अपनाते हुए लात मार के निकालना पड़ेगा और वो काम बीजेपी करेगा।